गुलाब भाई बहुत दिन मौन हुए बारे तो घर में सब राजी खुशी छे। हाँ भाई जीवन तो सब ठीक है घर में। अरे इन बताओ काम काज कौन चलो छे? ठीक है भाई जी। दियोर जी घर में तुम्हारी माँ जी यार भूली ठीक छे? हाँ वो रेख अभी बातचीत चलनी छे वेगे। हाँ भाभी जी ठीक है घर में ब्याह के भी बातचीत चलनी छे। देखा आप क्या होंगे दियोर जी? क्यों भाई घर में सब कुशल मंगल छे? गुलाब भाई मैं जान दो छौं कि ऐसो का बरस ज्यादा बर्फ पानी होने से फसल पात का हाल ठीक नहीं छ, पर एक बात सच बताऊं मैं लगणु छ कि तुम्हारी परेशानी बर्फ पानी या फसल पाते वजह से नहीं छ और कुछ और ही छ। मैं तुम तो एक दो साल बटे ना बहुत साल बटे जान दो और इले मैं तो मालूम छ कि जरूर कोई ना कोई बात छ जहाँ की वजह से तुम परेशान हो छ। आखिर वो बात क्या छ? जरूर कोई बात छे भाई जी। बुन क्या छे हाल इतना खराब है इंसान के लाख जतन करे अली पर कुछ भी ठीक नहीं हो कुछ नहीं समाधान करने क्या दियोर जी बेझिझक वे के तुम्हारे पर समस्या हमते बता हो सकत हम तुम्हारे कोई मदद कर सके। हाँ गुलाब भाई बतावा क्या असली बात क्या छे और तुम बुन के चाना छे भाई जी? सब शुरू हुए जब 3-4 महीने पहले एक दिन माँ जी बाण बिटियान सन और अचानक जने चौक में पहुंचे बेहोश हो गए। अब हम दौड़े फटाफट पता ही नहीं लगे क्या हुई। अब बस तेरना बाटी सब शुरुआत से हुई। भाई जी हमारे समझ में नहीं आने चाहिए कि हमन करने क्या। हमन तो अपने से भारी कोशिश करे आले पर कुछ पता ही नहीं लगनो कि माँ जी तय कर वही तो भाई क्या वो हमारी बातों को कुछ जवाब ही नहीं देने से तो आखिर करे हम डॉक्टर में चले गया। जैन बिजन बोले हमन तय नहीं करो आले पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए भाई जी। वैद्य में हाथ जोड़ा बहुत समस्याएं बहुत पैसा नहीं मिला तो मुझसे कुछ नहीं हो फिर माँ जी कहीं बचा नहीं बचा। भाई बड़े का कि डॉक्टर डॉक्टर नहीं दिखाए? अरे मैंने कोई डॉक्टर नहीं छोड़ी जा बाजार में जे मैंने दिखाई नहीं मिली सब जगह लेगी मैं पर कुछ फर्क ही नहीं पड़नू भाई जी। बोली तो बाजार भी तुम जो आयुर्वेदिक दवा देना पैर में भी दिखाया ले भाई मैंने। और भाई का बाकी बुकी में नहीं गए? अरे बोला बाकी में भी दिखाया ले गणा ली पर कुछ पता ही नहीं लग रहा क्या हो भाई जी। तुम उन बकरा बुकरा नहीं चले? अरे बोला बकरा बुकरा भी सब चढ़ाया ले बहुत परेशान हो गई मैं तो कख नहीं गए मैं क्या नहीं करे मैं काफ़ी जगह दिखा ले भाई तुम तो बड़ी हो रहा है अब क्या कर सकते हम तू मैं बहुत दिन परेशान देखा हूँ हैं लिया ये पे आओ ठीक हो जाओ सब ठीक हो जाओ भाई। Thank you.
बैठ गई अम्मा सुबेर होएगे अरे खड़ो उठा भाईजी सुबेर होएगे खड़ो उठा भाईजी श्याम दो रिश्ता वाल बियोने चिंता यार तू यार बाती कई कर रिश्ता वाला मेरे रिश्ता वाला ना का आज यार हां खड़ो उठा उठ दो भाई उठ दो थोड़ा आराम चला तुम तैयार हो मैं तुम ते पानी पूरी रख अच्छा अच्छा चल पानी चला तुम तैयार हो चल मान चल भाईजी माजी दो तीन महीनों बाटे बीमार छ और माजी के बीमारी का कारण घर बन में काम की बहुत परेशानी छ रेखा और कुलबीर के ब्याह के बातचीत भी चलनी छ और कुछ समझ नहीं आने अब क्या करें भाईजी पैसा जब जमा करें तन सब खत्म होएगे कर्ज भी इतना होएगे कि चुकाने में बहुत मुश्किल छ भाई जी मैं सब कुछ हार गया और कर्ज वाला भी रोज रोज आना चाहे घर में तांधे लगे छे और ब्योलक बुबा भी दिन बार सुनाना कभी बह सक छे रेखा भी रोज रोज घर में पैसा मांगने से राशन पानी खाते और माँ जी तो अपने मुंड भी नहीं ला सकती रोटी खाना मेरी तो दशा ही खराब हुई है कुछ समझ नहीं आना भाई जी मैंने क्या करनी सारी मुसीबत मेरे ही मुंड में पड़ी थी भाई जी तुम्हें मैं तो बता कि मैंने क्या करने मैंने स्थिति में मेरे तो कुछ समझ नहीं आने तुम्हें कुछ उपाय बता मैं गुलाब भाई अगर मेरी सलाह मान दिया है तो मैं तुम तो एक मार्ग जरूर बताऊंगा एकमात्र परमेश्वर और परमात्मा के बारे में बता लो जैसे बड़ा बड़ा ऋषि मुनियों ने भी इन प्रार्थना कर छे अस्तो माँ सदगमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्यु और माँ अमृतम गमय यानी कि हे परमेश्वर हम ते असत्य से सत्य की ओर ले जा हम ते अंधकार बटे ज्योति की ओर ले जा और मृत्यु बटे अनंत जीवन की ओर ले जा क्या वो परमेश्वर मैंने स्वीकार कर लो मेरा जना गंदा आदमी तय दिन पाप की हद कर देने कुछ सीमाने से कथका पे गंदा बंद आप वासी के परक पड़ वो परमेश्वर तो बहुत दयावान वही तो जो परमेश्वर यीशु बन के दुनिया में और पापों ने माफ दी अगर आपते यकीन नहीं ना तो मैं अपनी कहानी सुनूंगा आपते मालूम हो जल तक गुलाब भाई
म्यारो काम काज ठीक नहीं चलनो छो। कुछ लोग कह खास कारोबार का सिलसिला में एक दिन म्यारा घर आने वाला छो, पर मित दारू पे के धुत बनी छो और काम पर काम के बिगड़ी नहीं कि मित कुछ ज्यादा ही पेड़ बैठ गया। मुंड मा कर्जे थुपड़ी भे गया, नौबत घर गृहस्थी गरीब धने आगे छो, घरवाल दगड़ भी रोज खटपट होने रांद छो और हमारो आपस संबंध भी डगमगान बैठ गए छो। आखिर मां मेरा कुकर्मों को फल मेरा समझ कौन बैठ गया। अगर वो दुया का दुई वो दिन उर्मिला तब मेरा हाथ बटी नहीं छुड़ाऊंदा और मीते भैर नहीं दिखांदा तो सच बनो छो मिल उर्मिला वो दिन पोट मारेल छे। मैं होश आवास मानी छो, बेहोशी की हालत में मैंने एक दर्शन देखी। मैंने देखी कि एक तेज रोशनी मेरे सामने खड़े वहीं जा। रोशनी इतना तेज और उदंकार छ कि मैं आंखें भी नहीं खोल सकूं। मैं ते इन लगी जन बुलंद मेरा मन को अंधेरो पकड़े गए हो। मेरा भीतर का अंधेरा को कोई अंत नहीं छो। और तब मैंने वही की आवाज सुनी, तेरी आंख तेरा शरीर को उजालो जा। अगर तू अपनी आंखें ठीक से देखे ले तो तेरे समस्त शरीर भी उजालन भरो रह लो, पर अगर तेरी आंखों में फर्क पड़ गया है तो तेरे शरीर भी अंधेरन भरे जा लो। मैं उजालो बन के इन दुनिया में आयु जाओ ताकि जो कोई मी पर विश्वास कर दू जा वो अंधेरा में ना रहो, जो कोई मी पर विश्वास कर दू जा वो उजाला मां हिटलो। चंदर हे मेरा बेटा चंदर, क्या तू मेरी जोत मां हिटन पसंद करी ली? दर्शन देखना बाद मीते कुछ नहीं दिखे। मीते इन लगी कि जन बुलंद मेरा आंख फुट गए हूं और मोन तो मेरे इन बुनो छो कि मैं परमेश्वर को भलू बुरु जाय मेरे गिच में ओ बोल दियूं। पर फिर पता नहीं मिन अपनी आत्मा में क्या चिताई कि वह सकुचा यो अंधकार मीते कुछ सबक सिखाने को दिए गए हो न कि श्राप देने को। मिन सब कुछ खोयल छो पर परमेश्वर मीते बाटू दिखाई की कन कोई भी मी अंधेरा बटी बाहर निकल के अग्नि बढ़ जाऊं। सब कुछ झेल मिन लोगन मेरी हंसी उड़ाए मी पर ताना कसी ने और मिल सहचा, पर फिर भी हर हाल में मैं खुश छो। सुमित्रा आई और वह मेरी मदद कर चांद छे। मिन बस वहीं से एक ही विनती कह रही कि मैं प्रभु यीशु के बारे में कुछ और सुन चांद छो, जो कि कुछ और ना पर सिर्फ और सिर्फ उजालो ही उजालो चा। वही निमित्त प्रभु के बारे में सारी कथा पैड़ी के सुना। प्रभु यीशु के बारे में जद का बिमिन पैड़ी और सुनी छ वो सब मिन कह रहा ली। इक तक कि मेरा एक दोस्त अनमित बाइबल भी दीन और बाइबल भी पढ़िया मिन। जन लोग बोले ना कि यीशु विदेशियों को प्रभु छ, ये बात बिल्कुल सच नहीं छ। वे कुछ जन्म तो पूर्व दिशा में एक गांव में हुए छो जै तरफा हम लोग भी छाऊँ और जन हमारा बाप दादा ये पुराना लोग गांव गलों में पैदा हुए नहीं तनी ऊ भी पैदा भर वे को लालन पालन हो। हाँ बाइबल सुनी के या बाइबल मक्का थकानी पढ़ी के मी तो ये बात मालूम हो गया कि जन हमारे गांव गलों में जानवरों की बलि चढ़ाई जाती तनी पुराना जमाना में इब्रानी लोग भी पापों का दोष बटी बचने की बलिदान चढ़ाना छा ताकि इन कन से परमेश्वर दगड़ उनको रिश्ता सुधर जाए।
भला मान इन किताब पैड़ा और यूं बातों की सच्चाई मालूम करा। यीशु के बारे में जानना बाद मित खुद ये निष्कर्ष पर पहुंचू कि वे सर्व सामर्थ्य परमेश्वर को नोन चाह मी तो मेरा हर एक पाप से आजाद करने इच्छा और अधिकार वह का ही हतमा छोड़ और सदा निको मेरे पापों को दाम चुकाने को वो एक ही बार बलिदान दे गया। स्वर्ग में विराजमान वह का पिता परमेश्वर ने वह ते मुर्दों में पटी जिंदु कर दिया है और वह की आत्मा की मदद से आज हम लगातार वह की भक्ति करना चाहवा और आज हम वह का मार्ग में हिटना चाहवा तो मिन वह बेटे प्रार्थना कह रही। हे प्रभु यीशु मेरी प्रार्थना सुन मेरे सब पाप होते तू माफ कर दे प्रभु। मैं अपना जीवन में बहुत बुरा बुरा काम करें मैं यूं हतुन कथ की दो अपना बाल बच्चा पीट छ मैं तो भारी दरोला बन गए छो और बुरी बुरी आदत मी में आगे छे मैं तो कने बेवकूफ बन गए छो प्रभु। पर आज मैं जान गो कि तिन अपनी जान मेहरबानो दीन ताकि मैं पाप से सदा निको आजाद हो जाऊं। इले हे प्रभु मेरी प्रार्थना छ मेरी आत्मा को उद्धार कर। आज बठी तू ही मेरे प्रभु और तू ही मेरे स्वामी और मेरे परमेश्वर छे और मैं आज बठी इन प्रण कर दूं कि अच्छा अच्छा काम कर के प्रभु जी मैं तेरी सेवा करो लो और अब बठी प्रभु जी तेरा बताया उसे लमा हिट लो। मैं देख शब्द छो सुमित्रा मैं देख शब्द छो तभी बटी मेरी आंखों की नजर भी ठीक हो गई जब मैं प्रार्थना कह रही तो इन लगी जन बुलंद में कह अंधेरा कोना बटी बहरा गया इत गए ना बल्कि अपनी आत्मा में मैं इन बिचित है कि मेरा सब किस्मा पाप माफ है गेनी और साफ है गेनी और यहाँ की प्राप्ति को न तो मैंने कोई छोल पूजी और न कोई पूजा कह रही। हाँ एक काम मैं जरूर कह रही कि अपनी सब समस्या प्रभु यीशु का चरण में रख दी मैं सदा नहीं खुने वे को शुक्रगुजार और एहसान मंद छो और सच बोनो छो आज मैं तेन लगूं छो कि मैं वास्तव में पाप का बंधन और गुलामी से सदा नहीं खुने आजाद हो गई। दगड़ दगड़ परमेश्वर ते खुश करने खुने में ते बार बार बानी बानी किस्मा कर्म कांडने करने जरूरत भी नहीं छा यूं सब बात उसे मैं हमेशा को आजाद हो गई। किले की प्रभु यीशु ने सब कुछ मी खुने और मेरा वादा पूरा कह रहा अब यीशु का बलिदान से ज्यादा तुम्हें कुछ कर सकते नहीं छो ताकि परमेश्वर खुश हो जाओ। आज मैं पूरा और सच्चा दिल से प्रभु यीशु को भक्त छो और गुलाब है अब तो मेरे सर्व जीवन वह का ही हाथमा छे और मेरी इच्छा भी नहीं छे कि वह की सेवा में और जन सेवा में मेरी उस सर्व जीवन बीत जाओ। भाई जी तुम्हारी कथा सुने मेरा बुझा कंदड़े भी खुल गए और मित्र भी अब कुछ कुछ उम्मीद नजर आ रही सेवा में। बहुत अच्छी बात गुलाब है परमेश्वर जैन यीशु ते दुनिया में भेजी वह नहीं प्रभु यीशु जीते हैं तीन दिनों के बाद मुर्दों में बटी जूंद कर दी इन इले भाई किले की यीशु पवित्र और धर्मी छा वह की तरह कोई हैं को मन की ई धरती पर तो क्या क्योंकि हैं के जगह भी पैदा नहीं हुआ ई यीशु हाँ भाई ई यीशु सारी दुनिया का पापों खुण तुम्हारा पापों खुण मेरा पापों खुणे एक बार सदा निको बलिदान हो गया है। मैं तेन चाहूँ कि तुम भी मेरी तरह ये यीशु पर विश्वास करके वह इन जो उद्धार ई दुनिया ते दीन और तुम ते भी दीन वह को आनंद प्राप्त कर लेवा। भाई जी तुम्हारी बात पर विश्वास करने को मन तो चाहिए पर मित मेरा जीवन बहुत ही अंधकार में दिखे गुलाब है इन बतावा कि तुम्हारा जीवन मेरे जीवन से फर्क कन में हो सकूत अगर वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर जगत विदाता मेरे वास्ता इथका बड़ो काम कर सकूत छा तो मैं तुमते बताना चाहूँ कि वो तुम्हारे वास्ता भी इथका बड़ो काम करने सामर्थ्य रख दू छा और सुन दो हम सब मन की वह की संतान छा इले तो सारी मन की जाति को वो परमेश्वर उद्धार करना चाहते परमेश्वर कभी नहीं चाहते कि इन दुनिया में रह के तुम सदा नहीं पाप में रिंगणा रहा। क्या बात कर संभाजी
परमेश्वर जन तुम खातिर करे मेरे खातिर भी कर सकदो परमेश्वर। हाँ हाँ बिल्कुल कर सकदो जा, पर हम ते अब भी और यही वक्त एक काम कन पड़ो। क्या कन पड़े भाई जी में थे? गुलाब भाई हम ते तुम्हारे घर जाके तुम्हारे माँ जी के वास्ते प्रार्थना कर चेणी छे। मी ते पूरा विश्वास कि प्रार्थना के द्वारा तुम्हारी माँ जी ठीक हो सकती छे। जय प्रभु परमेश्वर मेरी यूं आंखियों की ज्योत में ते वापस लौटाए। मी ते पूरा विश्वास है कि तुम्हारी माँ जी ते भी ठीक कर सको छे। अब चाहे तुम्हारी माँ जी कन भी बीमारी से परेशान के लेनी छे और हाँ वो तुम ते भी ठीक कर सको छे। चलो अरे गुलाब भाई क्या तुम विश्वास कर सकते हैं परमेश्वर पर कि परमेश्वर तुम्हारी माँ जी ते ठीक कर दिया? क्लेन करने भाई मैंने विश्वास तुम इतना बात सन बताना तुम्हारे जीवन में घटी बात सन तो क्लेन करने मैंने विश्वास। परमेश्वर का वचन पवित्र बाइबल में लिखो छा कि परमेश्वर को और प्रभु यीशु को संबंध बुबा और नौना की तरह छ इतना मजबूत। तो जब हम यीशु का नौ से परमेश्वर से मांग दछा तो वो हमारी प्रार्थना कई बार सुन दिए और एकदम से बीमारी ठीक कर दिए। वैसे को तुम्हारी माँ जी एकदम ठीक हो जाओ पर कभी कभी परमेश्वर ठिकन में देर भी कर सकूँ। अब इन वो कले कर दो ये तो वही जाओ ये मेरी समस्या बहर से और हमारी समस्या बहर से किले कि तुम मंद हुए कि हमारी और वे की समझ में जमीन और आसमान को अंतर छे। पर हाँ एक बात जरूर छे और मैं दावा से बोल सकता हूँ कि परमेश्वर एक बात कभी ना तो बिसुर दो छा और न मामा अबेर कर दो कि अगर हम सच्चा मन से परमेश्वर मो ऐजोला और बोल ला प्रभु मी पापी पर दया करे मी ते माफ कर दे तो जरूर हम ते माफ कर दें। और जब वो हम ते माफ कर दें तो चाहे हमारे पाप में कुटिया कथ का विगर गले नीच वो वहीं ते चा चूटा के इतना दूर ढोल दें कि वो कभी भी हम दोबारा आ नहीं सके। और ये से बढ़कर बात क्या है मालूम वो हमारा टूटिया दिल ते भी ठीक कर दें। हम तुम्हारे गांव चलने को तैयार हैं मुझे उर्मिला से बुला के लाना है ठीक से इंतजार करा। ओके ठीक गुलाब है मैं ते पूरा भरोसा छे कि परमेश्वर आप एक माँ जी ते ठीक कर सकते छे। किले ना आप परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा कि परमेश्वर
आपक पाप होते माफ करो मी ते इन लगनो छ कखे ना कखे तू रुकावट जरूर छ ठीक छ मैं हे प्रभु यीशु जिन मैंने भाई जी मंगन सुने कि तू सच परमेश्वर छ हमारी प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर छ हमें तो मुक्ति देने वालों हमें तो छुटकार देने वाला परमेश्वर छ प्रभु मैं मेरे माँ जी खातर तेरा छुटकार मांग दूँ और मैं प्रार्थना कर दूँ प्रभु जी कि तू मैं ते भी मेरे पापों की क्षमा दे मैंने कुछ इन्हें काम करी जो ठीक नहीं था मैंने दारू पीने शुरू करी जो ठीक नहीं था मैंने जुआ भी खेली मैंने मेरे बहन के ब्याह के पैसे भी लगाए नहीं सब फूके आले मैंने जुआ में हे प्रभु जी मेरी माफ कर मेरी माँ जी तेरा ठीक कर प्रभु जी दीदी प्रभु यीशु का नौ से उठ जावा मेरे जीवन अब सदाने को बदल गया है मैं वे परमेश्वर से वचन चाहूं जो हमारी प्रार्थना से सुन तू और हमारी मनोकामना पूरी कर दू इतना सच परमेश्वर छा जिन मेरी आत्मा शुद्ध कर आ रही मेरा सब पाप सदाने को माफ कर आ रही हाँ पर एक बात जरूर छा परमेश्वर में बटे चाहूं कि मेरी खुटी एक नाव माओ और मेरे जीवन वह कपड़े समर्पित हो मैं चाहते चाहूँ कि परमेश्वर की उदंकार ज्योति यीशु का मुखमंडल के द्वारा मेरा दिल में चमके जाऊँ मैं मानते छो और विश्वास कर बैठ गयो कि यीशु मेरा पापों का बदला सदाने को बलिदान हो गया है प्रभु यीशु ने मेरा वास्ता ईद का बड़ा और महान काम करे और अब मैं मान गयो कि यह बात वास्तव में सच्ची और विश्वास करने लायक छ कि ज्योति अंधकार में चमकनी छ और अंधकार ये ज्योति पर राज नहीं कर सकता मैं तो तुम्हारा वास्ता भी बुनू छो कि तुम भी मेरा दिल में जगी ज्योत ते देखी जावा